दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुआ लिंक पे क्लिक करें। अपने उंगली का जो रिंग होते हैं उसी रिंग को हम लोग पासवर्ड के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक गैजेट है। अपने रिंग पे छोटा सा एक कंपोनेंट हम लोग डालेंगे जो कि अपने घर पे बनाएंगे, बना के इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद आसानी से हम लोग कोई भी दरवाजा ओपन कर सकते हैं अपने उंगली के रिंग के माध्यम से। यहाँ पे मैंने स्कैनर को रखा है और यहाँ पे मैंने दो इंडिकेशन जो कि रखा है, जो कि इसके मदद से ये इंडिकेशन करेगा और इसमें से हमने आउटपुट करके यहाँ पे माइक्रोकंट्रोलर पे हमने इसका इनपुट किया है और माइक्रोकंट्रोलर से आउटपुट किया है इस रिले के मदद से इस डोर लॉक के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट है। और जो हमने जो रेडर रखा है, जो RFID का जो स्कैनर है, उसको हमने लगाया है इस चश्मा के अंदर। देखिए चश्मा पे आप देख सकते हैं चारों तरफ कॉयल इसमें राउंड करके लगा दिया। और इसका जो IC है, मेन IC जो है रेडर से हमने खोला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा एक IC साइड पे लगा दिया है जिसके ऊपर कोई बैटरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ IC की मदद से ये काम करता है। तो इसके पीछे भी आप लगा सकते हैं, मैंने सामने लगाया है देखने के लिए। तो जब भी रडार के सामने लाएंगे डोर लॉक ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं, पावर को ऑन करके देखते हैं। तो अभी पावर ऑन हो गया है, तो जब भी इस चश्मा को सामने लाएंगे डोर लॉक ओपन हो जाएगा, देखिएगा। देखा आपने, फिर से दिखाता हूं। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये जो डोर लॉक आप देख रहे हैं इसके मदद से हम लोग किसी भी काम आसानी से कर सकते हैं। चश्मा पे फिट कर सकते, घड़ी पे फिट कर सकते, कोई भी जगह पे हम लोग फिट कर सकते हैं क्योंकि इस पर कोई बैटरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया एक गैजेट है। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स पे हमने फिट किया है, जो सर्किट है वो फिट कर दिया है अभी, जो आपने देखा है अभी। तो इस पर देखिए दो आउटपुट निकला है, तो इस आउटपुट पे हम लोग जो कि बाइक के जो पावर है वो लगाएंगे ताकि ऑन जब हो जाएगा तो इसमें से सिग्नल देगा। ठीक है, और इसमें से इनपुट हुआ है 12 वोल्ट। तो इस लाइसेंस पे हमने फिट कर दिया है, जो कार्ड है उस कार्ड के ऊपर लाइसेंस को प्रिंट कर दिया है। तो अभी इस पर जब भी स्कैन होगा तो ये आउटपुट पे जो कि ऑन कर देगा, मतलब इस पे आउटपुट पे आ जाएगा और इन जो इग्निशन है वो ऑन हो जाएगा। तो अभी इसका पावर देते हैं। तो अभी ये पावर आ गया है, तो मैं लाइट को बंद करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। तो अभी देखिए, अभी स्कैन कार्ड इसमें लिखा आ रहा है, तो ये जो कार्ड है इसको हम लोग स्कैन करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो अभी ये एक्टिव हो गया है।
तो अभी जो आउटपुट पे पावर आ गया है और आउटपुट पे हम लोग जो लगाएंगे ऑन हो जाएगा और बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी चलिए बाइक पे हम लोग इसको फिट करके देखते हैं। तो अभी इस पर फिट हो गया है और इसको अगर ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर स्कैनर पे स्कैन करेगा आपका लाइसेंस तो ही ये ऑन होगा। और स्कैनर का जो आउटपुट है वो दो वायर हम लोग निकाल के जो बाइक का जो इग्निशन जो होते हैं उस वायर पे हम लोग लगा देंगे। और दो इनपुट हुआ है, वो इनपुट है 12 वोल्ट इनपुट जो कि इस सर्किट को चलाएगा। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी देखिए इसको ऑन कर दिया है हमने, तो ऑन करने के बाद कोई पावर नहीं आया। तो जब भी हमारे जो लाइसेंस है उसको स्कैन करेंगे तो ये अनलॉक हो गया है और इस पर पावर देखिए आ गया है। तो अभी हम लोग बाइक को ऑन कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक गैजेट है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो ये रहा एक एटीएम मशीन। तो यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे आप लोग जो कि कार्ड को डालेंगे, यहाँ से कैश निकलेगा और डिस्प्ले पे आप लोग जो भी कमांड है वो देख सकते हैं। तो अभी इसका पावर ऑन करते हैं। तो एटीएम लिखा आ रहा है इसमें, तो अभी इस पर पेमेंट हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो एटीएम कार्ड, मैंने ये जो कार्ड आप देख रहे हैं इस कार्ड को मैंने एटीएम कार्ड बना दिया है। ये एक आरएफआईडी कार्ड है जो कि वायरलेसली काम करता है, तो इसको हम लोग इस पर डालेंगे। तो यहाँ पे एंटर पिन लिखा है, तो पिन मैंने दे दिया है 0806। तो पिन एक्सेप्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी कैश निकलेगा। तो अभी कैश आ गया है, देखा आपने, इस तरह हम लोग कैश निकाल सकते हैं। तो एटीएम को फिर से निकाल देते हैं, उसके बाद फिर से अगर डालेंगे तो फिर से काम करेगा। तो देखा आपने, इस तरह हम लोग एटीएम जो कि एटीएम से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।